Hi, I'm Rahul Banerjee. Today I will discuss about a question of the work power energy. It is a very simple and general question. It is asked in anywhere. Yeah. This question is the linear momentum of the body is increased 10%. What percent is change in this kinetic energy? Means आपको हिंदी में यह हो जाएगा जब किसी बॉडी के मोमेंटम में 10% इंक्रीज किया जाता है तो उसके करेंट की एनर्जी में कितना चेंजेस आएगा. सिंपल क्वेश्चन. तो आप लोगों मोमेंटम के बारे में पढ़े होंगे. आप लोगों ने जो लॉज ऑफ द मोशन थे उसमें आप लोग मोमेंटम के बारे में पढ़े होंगे. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू बी. प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इट इज डिनोटेड बाय पी. पी इज इक्वल टू एम इंटू बी. एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मींस व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन द एनर्जी प्रोसेसेस बाय द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. मींस जब कोई बॉडी मोशन में होते हैं उस समय उसमें जो एनर्जी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी. मींस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या रखते हैं? काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग के से डिनोटेट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी को ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर. इसको हम लोग सिंपली हम लोग यहाँ पर हम लोग के से डिनोटेट करेंगे. ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. अब हम लोग देखेंगे ये बोल रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम इज इंक्रीज 10%. व्हाट इज द परसेंट इज चेंज इन दिस काइनेटिक एनर्जी. मीन्स यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इनके बीच में रिलेशन क्या होता है. सबसे पहले हम लोग को इसको फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो फर्स्ट टाइम वी विल राइट द आइडिया पी इज इक्वल टू एम इनटू वी एंड स्क्वायर द बोथ साइड. स्क्वायर द बोथ साइड देन पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है. तो ये दिस इज पी स्क्वायर बाय एम दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ. तो देन वी हैव गेट पी स्क्वायर बाय टू एम दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो मीन्स पी स्क्वायर बाय टू एम दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम अपॉन टू एम. तो फर्स्ट हियर यू हैव सी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज 10%. मीन्स वी हैव कंसीडर्ड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी. मोमेंटम कंसीडर द पी वन. दिस इज वी कंसीडर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 100. वी कंसीडर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी 100. आफ्टर इंक्रीजिंग द 10% यू हैव नो द 10% ऑफ द 100. मीन्स हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम हम लोगों ने कितना लिया 100 लिया. तो 100 का 10% इंक्रीज हो रहा है. तो 100 का 10% इंक्रीज मीन्स कितना हो जाएगा. कितना हो जाएगा मतलब 10 इंक्रीज हुआ. ठीक है ना. 100 में से 10 इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना. तो आफ्टर इंक्रीजिंग द मोमेंटम आफ्टर इंक्रीजिंग मोमेंटम दिस फाइनल मोमेंटम आफ्टर इंक्रीजिंग 10% द मोमेंटम पी टू दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 10 दिस इज 110. यहां पर 20% दे देगा तो आपको बोल क्या लिखेंगे 20 इंक्रीज होगा. और 30% दे देगा तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 30 130 हो जाएगा. तो जैसा जैसा परसेंटेज ज्यादा देगा तो आप लोगों को क्या कर लेना है प्लस कर लेना है. ठीक है ना. उतना ही प्लस कर लेना है. 20% देगा तो 20 प्लस कर लेना है. 30% देगा तो 30 प्लस कर लेना है. एक बार आप लोगों ने भी सोचा आप लोगों को डिक्रीज भी दे सकता है. ठीक है ना. इज द मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम
60% दे दिया, 20% दे दिया, उस केसेस में आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब डिक्रीज किया तो तब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, अगर डिक्रीज दिया तो। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज बोला है इसलिए हम लोगों ने ऐड किया है, तो 100 प्लस 10 इज 110। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी इस समय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम जब 100 था तब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मान लेते हैं के वन। ठीक है, तो के वन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वन इज इक्वल टू पी वन का स्क्वायर, पी वन का स्क्वायर अपॉन टू एम। मास में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, मास ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होता है ये रहने से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के वन इज इक्वल टू बी वन का स्क्वायर अपॉन टू एम फाइनल। इसके बाद आफ्टर इंक्रीजिंग द 10% ऑफ द मोमेंटम मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब 10% इंक्रीज हो गया मोमेंटम में उस समय जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि K2 यानी इक्वल टू P2 का स्क्वायर अपॉन 2m। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लेते हैं इसको डेल के यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 का स्क्वायर K2 माइनस K1। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 माइनस K1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब बोला जो परसेंटेज ऑफ द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हो जाएगा क्या हो जाएगा डेल के अपन के वन इंटू 100, ये रहेगा परसेंटेज ऑफ द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल के का मतलब कितना हो जाएगा K2 माइनस K1 अपन K1 इंटू 100, ये रहेगा। इसमें आ जाएगा P1 का P2 का स्क्वायर माइनस अपन 2m माइनस P1 का स्क्वायर अपन 2m अपन K1 क्या हो जाएगा P1 का स्क्वायर अपन 2m इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर अपन 2m, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपन 2m अपन P1 का स्क्वायर अपन 2m इंटू 100। तो ये 2m और ये 2m कैंसिल हो गया, तो P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपन P1 का स्क्वायर इंटू 100। तो इसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे, ये मिलेगा 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर इंटू 100, यहां से 100 और 100 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 12100 माइनस 1340 अपन 100। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2100 अपन 100, तो ये आ जाएगा आपको 21%, ये आपको मिलेगा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा 21%। मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीजिंग होगा वो कितना हो जाएगा 21% इंक्रीजिंग होगा। ये आपका लॉन्ग मेथड था, ठीक है, ये एक आपका लॉन्ग मेथड था। आप लोगों को ये होल जो जो प्रोसेस है इसको हमने बहुत शॉर्ट मेथड से भी हम लोगों ने इसको समझाया जा सकते हैं। क्या है, आप लोगों उस समय के लिए मान लीजिए ये पूरे जो टर्म आप लोगों ने देखा है 21% जो आए हैं इसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, इसमें आपको मतलब क्या है 2 मिनट में आप लोगों ने आंसर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, पहले मान लीजिए आप इनिशियली को मान लीजिए आपने 10 मान लीजिए,
ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा, इनिशियली इनिशियल मोमेंटम जब 10 हो गया तो आपने 10% ऑफ द मोमेंटम में इंक्रीज किया, तो उस समय क्या हो जाएगा 10+1, उस समय कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम P2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी और इसमें कुछ ऐसा ऐसा P2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपको, ठीक है, 10+1 11 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज ऑफ द इंक्रीजिंग बोला गया है, तो सीधा सीधा आपने एक काम कीजिए, 11 का स्क्वायर कीजिए P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपन P1 100 आपका दे दिया गया है, होता है फॉर्मूला। तो आपने क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपन P1 का स्क्वायर, हाँ P1 कितना था 10 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 100 और 10 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 121 माइनस 100 21%। ये फॉर्मूला जो होता है ये आप लोगों को फाइंड माइंड करें, क्या आएगा P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपन P1 का स्क्वायर इंटू 100। ये चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है। ये तो हुआ इंक्रीजिंग के लिए, कुछ समय के लिए मान लीजिए आपका जो डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हैं जैसा कि मैं इंक्रीजिंग के लिए बोला, डिक्रीजिंग होने से तब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होने से जहां पर आप लोगों ये जो P2 के जो वैल्यू है मान लीजिए यहाँ पर इंक्रीजिंग के जगह में 10% डिक्रीजिंग है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइन आ जाएगा। तो नाइन आ जाएगा तो उस केसेस में क्या हो जाएगा P2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर मीन माइनस यहाँ पर 10 का स्क्वायर अपन 10 का स्क्वायर इंटू 100। परसेंटेज ऑफ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा 81 माइनस 100 अपन ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, इसका आपको क्या जरूरत ही नहीं है, ये 100 और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 19%। ये माइनस में आएगा, माइनस साइन आपको ये शो कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में भी डिक्रीजिंग कितना हो गया 19% डिक्रीजिंग हुआ। तो देखिए जब 10% इंक्रीजिंग हुआ था तब काइनेटिक एनर्जी में 21% इंक्रीजिंग हुआ था, वही 10% में जब डिक्रीजिंग हुआ तब काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा माइनस साइन में 19% डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन, आप लोगों को शॉर्ट मेथड से आपको सॉल्व करना था, इसके लिए ये था। ओके थैंक्स।